नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना के सक्सेना था अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना के सक्सेना तुसी दियो आज तक आमने सामने खास असी गलबात कर रहे जिंदे शाह की गलबात कर रहे कली साहब। असी पहले दसो कि जिन्हें जिन्हें भी कांग्रेस के लीडर थोड़े बीजेपी शामिल होए ना, वो पहले दसो शामिल होने का उनका कारण की है। देखो गल है कि भाई जित तक सवाल है दूसर पार्टियां लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चढ़ता सूरज है, ठीक है ना। तो हूँ समय दीवार से साफ लिखे कि तीसरी बारी जी केंद्र सरकार बन जा रही है, तीसरी बारी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। तो कोई भी बंदा डुबदे जहाज नहीं बहता, तो जोड़ा हैगा तैरता जहाज जोड़ा है उन्होंने नज़र आता कि भारतीय जनता पार्टी हैगा लोगों दसा उम्मीदा पूरी कर सकती है। तो उस नाते जोड़ा है लोग शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जोड़ा है बाहवा फैला के उन्होंने सारे का स्वागत कर रही है। सर जिन्हें भी थोड़े तो शामिल एम पी जिन्हें भी शामिल होए थोड़े तो खास तौर पर कांग्रेस की या गल करिए आम आदमी पार्टी गल करे सिर्फ बीजेपी ने उन्होंने ही एम पी के टिकट दिते, अपना चेहरा कोई खास तौर पर अगे क्यों नहीं लगा? नहीं ऐसा तो नहीं है। हम तुम देखो कि भाई उत्थे दिनेश बब्बू न टिकट दी हैगी है, तो असं हम तुम कही है कि सिर्फ बाहरलियां टिकटा दी गलत गल है। हुशियारपुर के सोम प्रकाश जी लड़ते हैं तो उस नाते जोड़ा है ऐसा नहीं है। वो तो आप देखते हैं कि भी विनेबिलिटी के हिसाब न टिकटा दे रहे हैं, नाले जो असी घर जोड़ा है जो असी फैलाव किया बाहवा का घर व्डा किया तो जो बाकी लोग आए उन्होंने भी असं चांस देवे। जनता का वहम जोड़ा या वहम है कि कैसे कह सकते कि जो केजरीवाल साहब इस टाइम अंदर बैठे ने वो बीजेपी की बदौलत बैठे ने, ऐसा क्लीयर करो कि वह बीजेपी की बदौलत बैठे ना कि या फिर ईडी की बदौलत बैठे। गल ये है केजरीवाल साहब अपनी बदौलत बैठे अपने कर्मा की बदौलत बैठे है, उन्होंने 9 समन गए ईडी दे, ठीक है। उन्होंने 9 समन इग्नोर किए, ये 2 साल पहला एक बार चक्कर ला जाते तो शायद इलैक्शन दे कोल आके जिहड़ा हैगा ये काम ना हुंदा। जे पहला जाके उन्होंने गल करते जिहड़ी प्रॉब्लम सीगी उन्हें एक IRS अफसर है, तुसी कानून की आप ही उलंघना करते पे हो, तो इसलिए जिहड़ा हैगा वो किसी की बदौलत नहीं बैठे, वो अपनी बदौलत बैठे अपने कर्मा की बदौलत बैठे है कि भी उन्होंने घोटाला किया मनी लॉन्डरिंग जिहड़ा हैगा PMLA के तहत जिहड़ा हैगा उन्होंने अरैसट किया, इनकुआरी चलती पई है। हुण कोर्ट दे जमानत लगाई सी, उन्होंने कहा कि प्रैमा फसा ही एविडेंस हैगा इसलिए जमानत नहीं दिती। सर घोटाले सिर्फ आम आदमी पार्टी दी है कांग्रेस दे जां होर बीजेपी च कोई इदां दा सिस्टम नहीं रखा कि जी उन्होंने भी इदां तुहानूं नज़र आया कि जां आपणी पार्टी दे विच तुसीं कोई एक्शन नहीं लै सकते? देखो गल ये हुंदी है कि भी असीं कहीए कि भी जदों पुराने समय के श्रीमती इंदिरा गांधी सी उन्हें एमरजेंसी अंदर किए थे, असीं भी जेलों च रहे हैं, जेलों कट्टियां है। हुण सवाल ये हैगा कि भी ये सिस्टम जिहड़ा चलता पिया हैगा उस च कि भी जिते कोई नज़र आता है कि भी आ घोटाला किया तो वो जिहड़ा हैगा भरना तो पएगा ना। कल साहब तुसीं एक बहुत वड्डा चेहरा पंजाब च ने पूरे हिंदुस्तान च तुहाडा नाम है, बच्चे बच्चे की जबान से मनोनीत काली एक वो चेहरा कि दूरों वेखदे सार बच्चा पहचानता है कि साढ़े काली साहब आ रहे हैं। कल साहब फिर बीजेपी को क्यों नहीं लगा कि तुहानूं भी कितना कितने पूरे पंजाब च कितना कितने टिकट खिलार के कितने? देखो इत्थे रिजर्व सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वधिया सवाल है, तो उस नाते जे रिजर्व ना होंदी जनरल होंदी तो मैं जरूर लड़दा। सर बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर असं गलबात करें, मैं थोड़ा अपने कैमरामैन के साथ SK सेना आज तक आमने सामने जलंधर तो।